स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. टॉपिक नेम इज बैलेंसिंग सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन. सो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है. ठीक है, सो यहाँ पर एक रोटेटिंग शाफ्ट है. इस रोटेटिंग शाफ्ट से हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ मासेस. ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने जो कंडीशन थी उसमें क्या करता कि एक ही प्लेन पर नंबर ऑफ मासेस क्या कर रहे थे, एक्ट थे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ मासेस है उनके जो पोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर है. ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सपोज ये मास एम वन है, ये है आपका एम टू मास है, ये बोल सकते हैं आप एम थ्री मास है, या यू बोल सकते ये एम फोर मास है. मतलब ये एम वन एम टू एम थ्री और ये एम फोर. अब इनके प्लेन है तो प्लेन को भी मेंशन कर देते हैं कि ये है आपका प्लेन ए, ये है प्लेन बी, ये है प्लेन सी, ठीक है, और ये है प्लेन डी. ये सो नंबर ऑफ प्लेन है और हर एक प्लेन पर अपने एक अलग अलग मासेस है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर. अब आपकी जो चाप क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है. तो पहले तो क्या था कि मास और रेडियस ऑफ रोटेशन, तो हर एक मास का एक अपना इंडिविजुअल रेडियस ऑफ रोटेशन होगा, एम वन का आर वन, एम टू का आर टू, एम थ्री का आर थ्री और एम फोर का आर फोर. ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मासेस है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर है. अब जब शाफ्ट रोटेट करती है तो हम जब इसको रोटेट करेंगे तो ये एज्यूम करके रखते हैं कि ये अभी पूरी तरह से क्या है, बैलेंस कंडीशन में नहीं है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक या एक से ज्यादा कोई बैलेंसिंग मास रखते हैं. अब वो कहाँ पर रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, सो रोटेटिंग कंडीशन मीन्स सबसे पहले M1, M2, M3, M4 मासेस के कारण, जो हर एक मास के कारण जो आउटवर्ड फोर्स मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा आपका, F6 equals to M into R1 ओमेगा वन का स्क्वायर. तो ओमेगा वन तो सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो मैं डायरेक्टली एम वन और आर वन लिखता हूँ. यहाँ पर भी क्या लिखता हूँ, एफ सी टू, ये एफ सी वन, ये एफ सी टू, ये एम टू आर टू, इसी तरह एफ सी थ्री, तो ये एम थ्री आर थ्री और ये एफ सी फोर, तो एम फोर आर फोर ड्यू टू रेडियस ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि डायनामिक कंडीशन में जब आपके पास डिफरेंट प्लेन आ जाता है तो डिफरेंट प्लेन के कारण क्या होता है कि हर एक प्लेन की एक इंडिविजुअल लेंथ होगी किसी पर्टिकुलर रेफरेंस प्लेन पर. अब वो रेफरेंस प्लेन आप कोई भी मान सकते हो, प्लेन ए मान सकते हो, प्लेन बी मान सकते हो, प्लेन सी मान सकते हो. तो अभी हमारे पास ये जो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर सारे मास अटैच्ड है, इनकी पर्टिकुलर किसी न किसी रेफरेंस एक्सिस से क्या होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी, मीन्स उसकी लेंथ होगी, ये हो सकती है लेंथ एल वन एल टू एल थ्री एल फोर व्हाटएवर जो भी लेंथ हो. ठीक है, तो उस कंडीशन में ये टोटली डायनामिक फोर्स को शो करता है. तो डायनामिक फोर्स में हमको दो चीज का ध्यान रखना होता है, दो चीज कौन कौन सी, कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तो अरेंज करना ही है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो समेशन होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो समेशन एम इंटू आर इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और समेशन ऑफ कपल्स ये भी देखना पड़ता है. तो इन शॉर्ट समेशन एम इंटू आर और एक चीज जुड़ जाएगी, वो है आपकी लेंथ, तो वो भी क्या होगी, इक्विवेलेंट टू जीरो. तो ये सभी चीजों को यहाँ पर कंसीडर करना होगा. सो आप साथ क्या है, रोटेटिंग मोशन करती है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और उस रेफरेंस लाइन से हम सबको यहाँ पर अरेंज कर देते हैं. अरेंज किस तरह करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. देखिए, ये मान लो इस तरह मैंने अरेंजमेंट कर दिया है इसका, स्केल से एक लाइन खींची इस तरह. ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि ये आपकी शाफ्ट है, अब शाफ्ट पर ये है आपका M1 मास. ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पर यहां पर एक मास और
ये है आपका M2, उसके बाद C पर है, ये आपका M3, मैं इसको नेमिंग भी कर देता हूँ, ए इसको बोल दिया, बी इसको बोल दिया, सी और इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए डी। ठीक है, अब ये आपकी पोजीशन है मार्स की, ए प्लेन पर, बी प्लेन पर, सी प्लेन पर और डी प्लेन पर। अब जब आप इधर से देखोगे सामने से, तो ए बी सी डी मतलब सारे मार्स एक जगह से देखेंगे, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर है। तो ए प्लेन, फिर बी प्लेन, ये ए प्लेन, फिर बी प्लेन, सी प्लेन और डी प्लेन। तो मैंने यहाँ पे इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं यहाँ पर क्या एक कंफिगरेशन ऐसा करूं जिससे कि ये टास्क मेरी पूरी तरह से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि ये रोटेटिंग टास्क पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई एक बैलेंसिंग मास है, मैं इस पोजिशन पे रखूं और मैं एज्यूम करूं कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो मैंने यूं बोल दिया कि प्लेन ए और बी के बीच में एक मास को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया इसके सेंटर डिस्टेंस पे। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने एम एल, ये मास हो गया आपका एम एल। और एच सी और डी प्लेन पर एक मास यहाँ पर मैंने सेंटर पे रख दिया, इसको बोल दिया मैंने एम एम। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मैंने दो मास का यहाँ पर एजम्पशंस लिया कि ये मास है आपका एम एल और ये मास है आपका एम एम। अब मैंने यहाँ पर रख दिया, दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, इन मास की वैल्यू फाइंड करना है एम एम की और एम एल की। ठीक है, मीन्स आप क्या कर रहे हो कि इस रोटेटिंग प्लेन में ड्यू टू कपल्स, कपल्स होने के कारण, कपल्स मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, मतलब आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो तो है ही, साथ में ये डिस्टेंस भी है, तो इसके कारण क्या है, इसमें पूरा एक डायनामिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, डायनामिक मीन्स अनडिस्टर्बेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण ये पूरी शाफ्ट है आपका अनबैलेंस है। तो इस अनबैलेंस को दूर करने के लिए अभी मैंने अजम्पशंस कर लिया कि भाई ए और बी प्लेन के बीच में कोई एक प्लेन कंसिडर करता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ इस उस प्लेन के बीच में मैं कोई मास कंसिडर कर देता हूँ, उसको बोल दिया मैंने एम एल। और यहाँ पे बीच में कोई मैंने प्लेन, अब इसको मैंने नाम भी दे देता हूँ, इसको प्लेन बोल देता हूँ एल। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए एम। ये अपने हिसाब से एजम्पशन कर दिया कि कोई एल प्लेन हो सकता है, कोई एम प्लेन हो सकता है। यहाँ पर मैंने दोनों मास को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, तो आपके पास एम वन का रेडियस ऑफ मास, एम वन मास का रेडियस ऑफ रोटेशन होगा वो होगा आर वन, एम टू का होगा आर टू, एम थ्री का होगा आर थ्री और एम फोर जो है इसका होगा आर फोर। सो उसी तरह मैंने कोई मास अरेंज किया, इस प्लेस किया इस जगह पर, कोई प्लेन एल है तो इसका मान लिया कि रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है आर एल, और इसका मान लिया मैंने आर एम। क्लियर, ये मैंने मान लिया। अब हमें क्या करना है, एक टेबल में इसको अरेंज करना है। और सबसे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैं इन सभी मास में से कोई एक प्लेन को रेफरेंस प्लेन मान सकता हूँ। रेफरेंस प्लेन में क्या करूंगा, इसको एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, मैं यूं बोल दूंगा कि रेफरेंस प्लेन आपका क्या है, कि टेक वन ऑफ द प्लेन से एज ए रेफरेंस प्लेन। तो मैं एल प्लेन को क्या मान लेता हूँ, एज ए रेफरेंस प्लेन मान लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ, मैं एज ए रेफरेंस प्लेन मान लेता हूँ। और रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, और रेफरेंस प्लेन के राइट हैंड साइड सारी वैल्यूज को मैं क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव मान लेता हूँ। मतलब इस रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है वो होगी नेगेटिव, और इसके इस साइड होगी वो सारी वैल्यू है पॉजिटिव। और मैं एजम्पशंस कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है, सपोज ये हो गई आपकी एल वन, और इस रेफरेंस प्लेन से बी प्लेन की जो डिस्टेंस है वो होगी एल टू, और इससे बी प्लेन तक की डिस्टेंस वो होगी एल थ्री, और इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई आपकी एल फोर। ठीक है, और एक और चीज मान सकता हूं मैं। ठीक है, ये डिस्टेंस एल वन, एल टू, एल थ्री और एल फोर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आपको यहाँ पर क्लियर है।
अब ये जो प्लेन एल है ये रेफरेंस प्लेन, यहाँ पर तो ये जीरो रेंज एम है यहाँ से यहाँ तक, इसका भी अपन टेबल पे देख सकते हैं इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल मैंने बनाई है, तो सारे मास M1, M2, M3, M4 सारे मास का अरेंजमेंट मैं इस टेबल में इस फॉर्म से करता हूँ कि मेरे पास प्लेन है, प्लेन में क्या है आपके पास नंबर ऑफ प्लेन ए एल बी सी एम डी, मतलब सारे प्लेन कौन कौन से, एक प्लेन ए है, एल है, बी है, सी है, एम है, डी है। तो सारे प्लेन्स को मैंने एक टेबल पर क्या किया, अरेंज किया। अब मेरे पास मास है M1, M2, M3, M4, M, मतलब सारे मासेस को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल्स में M1 है तो पहले मास ए प्लेन पर कितना है, मास की जो यूनिट होती है इसका जनरली यूनिट क्या होता है, केजी, और रेडियस की यूनिट क्या होती है, रेडियस की यूनिट होती है मीटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि मास इंटू रेडियस, तो मास इंटू रेडियस मतलब दैट मीन्स एफ सी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका केजी मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, तो वो कौन सा रेफरेंस प्लेन, मैंने मान लिया कि वो रेफरेंस प्लेन है एल और इसकी यूनिट क्या होती है मीटर, क्लियर। और कपल्स, तो कपल्स के लिए यूनिट क्या है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनटू अगेन डिस्टेंस, तो एम आर एल, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपका फर्स्ट, टाइटल हो गया आपका प्लेन, तो नंबर ऑफ प्लेन ए एल बी सी एम डी। तो आपको इस डायग्राम से यहाँ पर सारी इसको अरेंज करना है। तो मास, अब ए प्लेन पर मास कितना होगा, वो होगा आपका M1, एल प्लेन पर मास कितना होगा ML, बी पर होगा MB, सॉरी ये हो गया M1, ये ML, बी पर M2 है ना, बी पर M2 और सी पर M3 और M पर MM, जो कि अननोन है, हमको इसी की वैल्यू फाइंड करना है और ML की वैल्यू और MM की वैल्यू फाइंड करना है, और D पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M4, क्लियर है। अब रेडियस ऑफ रोटेशन तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा RL, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा RM, ये हो जाएगा R4, क्लियर। सो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एफ सी इक्वल टू एम इंटू आर, तो M1R1, ये हो जाएगा M1R1, इसी तरह ये हो जाएगा MLRL, ये हो जाएगा M2R2, ये हो जाएगा M3R3, ये हो जाएगा MRM, और ये हो जाएगा आपका M4R4। तो इस तरह आपने ये टेबल बना दी। अब आपको मैंने अभी बताया था कि रेफरेंस प्लेन के इस साइड सारी चीज हमें क्या लेना है, इस साइड हमें सारी चीज लेना है नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो देखिए ये प्लेन हमने मान लिया रेफरेंस प्लेन, तो रेफरेंस प्लेन पर यहाँ पे देखोगे तो ए पोजिशन, तो ए पोजिशन क्या है, ये है, तो ए एल के इस साइड है, दैट मीन्स नेगेटिव, तो मैंने बोल दिया ये माइनस L1। अब उसके बाद रेफरेंस प्लेन एल पर, क्योंकि एल पर तो जीरो होगा तो मैंने इसको यहाँ पर जीरो मेंशन किया। अब यहाँ पर बी की पोजिशन देखते हैं, तो बी पर कितना होगा L2, तो ये क्या है पॉजिटिव, तो ये लिख दिया मैंने L2। उसी तरह C पर कितना हो जाएगा L3, ठीक है, और आपका M पर नहीं हूं, हाँ ये M पर मेरे लेंथ भूल गया लेना, इसको मैं बोल देता हूं LM, ठीक है, सॉरी LM, हाँ इतना ही है। तो आपका ये कितना हो जाएगा L, और ये कितना हो जाएगा M, ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में ये कितना हो जाएगा आपका L4, तो ये हो गया आपका L4। तो देखो आपके टेबल में हमें सारी वैल्यूज मिल गई है। अब हमें कपल्स निकालना है, तो कपल्स कैसे निकालोगे, M इंटू आर इंटू माइनस L, तो ये हो जाएगा माइनस M R1 और L1,
ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा आपका एम एल आर एल और मल्टीप्लाई जीरो, तो ये जीरो एम टू आर टू इंटू एल टू, फिर ये हो जाएगा एम टू आर टू और एल टू, और ये हो जाएगा एम थ्री आर थ्री और एल थ्री, और ये देखो एम एम आर एम और एल एम, तो ये हो जाएगा एम एम आर एम और एल एम, और ये हो जाएगा एम फोर आर फोर और एल फोर, एम फोर आर फोर और एल फोर। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इस टेबल में सभी चीज पता चल गई है, मतलब ए टू ए एल बी सी एम डी, मैं आपको कपल्स के लिए भी टेबल में सारी वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, और यहाँ पे ये आपका थ्योरिटिकल कंसेप्ट है। आपको ये थ्योरिटिकल कंसेप्ट अगर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जब कभी भी बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन में जो भी न्यूमेरिकल आएगा, तो इसी कंसेप्ट से हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा, तो वहां पर भी आपकी यही टेबल बनेगी जो मैंने आपको इस थ्योरी में आपको बताई है। अब हम करते हैं इसके आगे का प्रोसीजर, ठीक है। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा, अब हमें क्या करना है, अपने हिसाब से एक स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको जस्ट अभी एग्जाम्पल में बताया। तो ये आपका मासेस है, ठीक है, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, तो देखो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर मासेस की मुझे वैल्यू पता है, और मैं एज्यूम करता हूं कि हर एक मास का किसी न किसी के प्लेन पर एंगल्स भी होगा, एम वन का भी एंगल होगा, एम टू का भी होगा, एम वन का भी होगा, एम टू का भी होगा, एम थ्री का भी होगा, एम फोर का भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्पेस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं अपने हिसाब से उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, स्पेस डायग्राम, ठीक है। तो स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मेरे पास जस्ट मैंने क्या कर लिया, इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये बोल दिया मैंने ओ, और ये है एम वन, ये एम वन मास, ठीक है। अब एम वन मास से उसके बाद एम टू, तो एम टू क्या होगा, कोई एंगल है, मतलब मैंने ये बोल दिया कि एम टू का कोई मास का कोई एंगल है, उसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए थीटा टू बोल दिया, क्योंकि देखो एम वन का एंगल कितना होगा, एम वन का एंगल तो यहाँ पर है नहीं, तो थीटा वन मतलब जीरो, और मैंने बोल दिया कि एम टू का कोई एंगल है, वो मान लिया मैंने थीटा टू मान लिया, और उसी तरह कोई एम थ्री का भी एंगल मैंने मान लिया इस तरह, इसको बोल दिया मैंने एम थ्री, और इसको बोल दिया यहाँ से यहाँ तक थीटा थ्री, और एक एम फोर का कोई एंगल मान लिया, उसको मैंने इस तरह अरेंज कर दिया इस तरह, तो वो हो गया मेरा एम फोर। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये भी कितना हो गया इसका थीटा फोर। अब मेरे को क्या करना है फाइंड, अब मुझे फाइंड ये करना है कि मैंने जो एजुमेशन किया है मास एम एल और मास एम एम, तो इनका क्या एंगल होगा और इनकी क्या मास की वैल्यू है। तो अब हमें ग्राफिकल मेथड से दोनों मास की वैल्यू फाइंड करना है, एम एल की वैल्यू भी फाइंड करना है और एम एम की वैल्यू भी फाइंड करना है, और उसके साथ साथ हमें इसकी एंगुलर पोजिशन भी फाइंड करना है कि हम इन दोनों मास में कितना एंगल रखें कि ये आपकी रोटेटिंग शाफ्ट है पूरी तरह से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये हमने एजम्पशन किया था, तो एम एल का एंगल और एम एम का हमको क्या एंगल रखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड, अब ग्राफिकल मेथड में हम पहले टेबल पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि इस दो टेबल पे, एक टेबल है आपकी फोर्थ के लिए है और एक टेबल है आपकी कपल्स के लिए। तो देखिए फोर्थ के टेबल में आपके पास मान लो कोई क्वेश्चन में, सपोज आपके पास ये दो चीज अननोन है, एम एल और आर एल, और इसमें एम एम और आर एल, ये दो चीज क्या है आपके पास अननोन है। लेकिन कपल्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पर खाली एक ही चीज अननोन है, कौन सी चीज अननोन है, एम एम आर एल और एल एम। तो ठीक क्वेश्चंस में आपको एम वन एम टू एम थ्री एम फोर की वैल्यू तो दे रखा होगा, लेकिन जो आपके पास अननोन मास है, जो आपने क्या एज ए बैलेंसिंग मास कंसिडर किया, उसकी वैल्यू नहीं दे रखा होगा। तो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में तो क्या है कि यहाँ पर दो अननोन है, एम एल आर एम और एम एम आर एम, और यहाँ पर आपका एक ही अननोन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कपल्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना पड़ेगा, मीन्स आपको जो ग्राफिकल मेथड करेंगे तो उसमें सबसे पहले कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे। जब कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो अननोन वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी, वो वैल्यू मिलेगी, उसके बाद में इस वैल्यू को आप कहीं ना कहीं जो भी आपकी वैल्यू मिलेगी, जैसे सपोज एम एम की वैल्यू मिलेगी, तो आप यहाँ पर उसको
पुटअप करोगे और उसके बेस पर फिर आप जो अननोन वैल्यू है एमएल आरएल की वैल्यू वो फाइंड कर सकोगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कपल पॉलीगॉन को ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट ये स्पेस डायग्राम तो मैंने आपको थ्योरी को समझाने के लिए बनाया है कि ये इस तरह हो सकता है। अब जब आपका न्यूमेरिकल होगा, प्रॉब्लम होगी, उसके हिसाब से स्पेस डायग्राम उसका एंगल पोजिशन वो डिफरेंट हो सकती है। तो अभी हमें थ्योरी को, कंसेप्ट को फोकस करना है। अब देखिए, अब हम पॉलीगॉन डायग्राम बनाएंगे। पॉलीगॉन डायग्राम, कपल पॉलीगॉन डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे, तो एक चीज तो क्लियर है कि हम स्केल को फोकस करेंगे। अब वो स्केल कैसे ली जाती है, ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट टाइम सेम प्लेन बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास इन सेम प्लेन में जो स्केल बताई थी वैसे ही आपको लेना है। बट अभी तो मैं आपको थ्योरी में के लिए बताता हूँ कि इसको कपल पॉलीगॉन्स का आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो मान के चलते हैं कि भाई M1 जो एंगल है, क्योंकि देखो हमने थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 लिया है, थीटा 1 नहीं लिया है, मतलब M1 का एंगल क्या होगा, थीटा 1 होगा। तो अभी तो मान के चल रहे कि M1 का एंगल कितना है, 0 है, 0 एंगल है, मतलब इसकी लाइन क्या होगी, आपकी स्ट्रेट लाइन में होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रोलर स्केल का यूज कर सकते हो। तो रोलर स्केल का यूज करोगे तो आपको यहाँ पर आप इजिली तरीके से पॉलीगॉन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरे पास रोलर स्केल है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसकी पॉलीगॉन डायग्राम, कपल पॉलीगॉन डायग्राम को आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कपल पॉलीगॉन डायग्राम, कपल पॉलीगॉन, ठीक है। तो कपल पॉलीगॉन के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ शो करने के लिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना देता हूँ कपल पॉलीगॉन थोड़ा सा इधर, ये कोई भी स्केल लेके मैं इस तरह इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अभी मैंने बोल दिया कि स्टार्टिंग ओ से करेंगे हम, ठीक है, ओ से करेंगे। मीन्स ये हो गया आपका, देखो अब चूंकि एक चीज तो क्लियर है कि आपके पास जो ए प्लेन पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव साइंस क्या होगा, हमेशा अपोजिट में होगा, ठीक है। तो अपोजिट में होगा तो मतलब ओ टू ए इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन अभी क्या होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, क्लियर। तो ओ टू ए, क्योंकि एंगल कितना है इसका, जीरो है, तो उस कंडीशन में इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि टेबल में भी दे रखा है माइनस एम आर इंटू एल वन, ठीक है। और जो आपको मैंने क्वेश्चन में भी बताया था कि नेगेटिव है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे रोलर स्केल्स का यूज करते हैं। तो आप देखो ये तो हो गया M1, तो M2 आप किस तरह से, आपको स्केल ले लेना, अभी तो मैं डायरेक्टली क्यों आपको बता रहा हूँ। तो आप स्केल को इस यहाँ पे पैरेलल रखोगे और यहाँ पे इस तरह आप इसको एक लाइन इस तरह खींच दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका O टू A, A टू B, ठीक है। ये मैं नाम भी देता हूँ प्लेन्स के, एक तरह से ए है, बी है, सी है, डी है। अब बीच के प्लेन तो चाहिए हमको, ये बीच के मास चाहिए, तो हम देखते हैं इसमें। तो ये हो गया ए और ए टू बी। अब उसके बाद ये मास एम थ्री है, तो इसका जो लाइन है पैरेलल लाइन वो कैसे आएगा, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये आप कोई भी स्केल ले लोगे इस तरह, ये उसके बाद अब एम फोर की बात कर रहे हैं, तो एम फोर किस तरह आएगा, इस तरह आएगा, ठीक है। वो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कहीं आएगा, ठीक है। अब देखो O टू A, A टू B, B टू C और C टू D, क्लियर। यहाँ पे आप देखो O टू A, A टू B, B टू C और C टू D, इस तरह मैंने बनाई। आपको अभी पता चल जाएगा कैसे मैंने बताया था, ये तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, फिर ये था आपका इस पोजीशन पे इस तरह, फिर ये था आपका इस पोजीशन पे, ये इस तरह मैंने इसको मिलाया, और ये था आपका इस पोजीशन पे एंगुलर पोजीशन मैंने इस तरह मिलाई। तो देखो अभी भी क्या है, ये पूरी तरह से क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से क्लोज नहीं है, मतलब ये अब क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे, मिला देंगे। लेकिन एक और चीज, अब जो बैलेंसिंग का जो डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में करता हूँ तो ये एक तरह से क्या काम करेगा, रिजल्टेंट का काम करेगा। और हम जानते हैं कि बैलेंसिंग के केस में जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा रिजल्टेंट के अपोजिट में होता है। तो इसका डायरेक्शन किस तरह होगा,
वो इस तरह होगा, इस तरह। तो इसको हम नाम दे देंगे जो हमने एज्यूम किया था। अब ये बैलेंसिंग, ये आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। अब चूंकि देखो ये है आपका इस तरह, ये जो एंगल है मीन्स इसकी जो पोजीशन है, आप इस पोजीशन को पैरेलल लोगे और इसको यहाँ पर ले आओगे, तो ये हो गई आपकी बैलेंसिंग पोजीशन। देखो ये जो आपकी पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक आप इधर ले आओ और इसको शो कर दो, तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग मास। कौन सा मास? MM, क्लियर। ये हो गया आपका बैलेंसिंग मास। सो अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने ये लिया तो ये हो गया आपका OD। तो OD इसको डैश में करोगे, क्योंकि जब आप कपल पॉलीगन लोगे ना तो डैश से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, OD डैश। तो देखिए अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू इन शॉर्ट में ये MM RM इंटू LM। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट, MM क्या करना है, MM RM और LM और इक्वल्स टू डी डेस ओ इंटू स्केल, जो भी आप स्केल लोगे उसमें कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ मास की वैल्यू, मास और रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ मास की वैल्यू दे रखी होगी, LM की वैल्यू दे रखी होगी, तो आप MM की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। MM के लिए फाइंड करने के लिए आपको इस तरह लिखोगे, MM इक्वल्स टू डी डेस ओ मल्टीप्लाई स्केल और अपॉन में हो जाएगा आपका RM इंटू LM। तो इस तरह आप ये MM की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्लियर। तो ये हो गया किसके लिए, कपल पॉलीगॉन। अब MM की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो आप क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आओगे, तो जहां पे MM और RM में जो भी वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ये वैल्यू फाइंड हो गई, तो अब आपके पास अननोन फोर्स कितने हुए, खाली एक ही अननोन फोर्स रहेगा आपके पास, कौन सा, RM और सॉरी ML और RL। क्योंकि ये यहाँ पर आप क्या करोगे, MM की जो भी वैल्यू फाइंड करोगे उसको आप यहाँ पे पुट अप करोगे, यहाँ पे पुट अप करते हो तो आपको एक यहाँ पर कोई वैल्यू मिल जाएगी, तो वो वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, अननोन नहीं रहेगी, अब वो वैल्यू आपके पास नोन रहेगी। उस बेस पर आप फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करोगे, खाली आपको एक ही अननोन फोर्स रहेगा। तो अब आप वापस से फोर्स पॉलीगॉन पे आते हैं, अब फोर्स पॉलीगॉन पे आप आने के लिए वापस से वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या करेंगे, अब फोर्स पॉलीगॉन में देखो एक पॉइंट है आपका ये, यहाँ पे देखोगे तो एम आर इंटू एम एल इंटू आर एल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले क्या था सॉरी, ये एम वन आर वन, तो इसको पहले लोगे तो एम वन आर वन, तो यहाँ पे देखा था हमने तो ये नेगेटिव था, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये नेगेटिव था और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो आप एक लाइन लोगे इसी के रेफरेंस में, आप इसको बोलोगे आप फोर्स पॉलीगॉन, क्या बोलोगे इसको, फोर्स पॉलीगॉन। तो फोर्स पॉलीगॉन में वापस से यही की यही आप यहाँ क्या करोगे, एक स्केल लोगे इस तरह, ठीक है, स्ट्रेट में एक लाइन लोगे, ये बोलोगे ओ और ये बोलोगे ए, और वापस से वही की वही चीज आप इसको पैरेलल लोगे यहाँ पे और इसके जस्ट इस साइड, ये हो गया आपका इस तरह, ये हो गया ए टू बी। उसके बाद फिर एम थ्री मास का लोगे पैरेलल इस तरह, ये हो जाएगा इस तरह, फिर एम फोर का लोगे वो हो जाएगा आपका इस तरह, इस तरह। और उसके बाद क्योंकि ये वैल्यू आपने एमएम की क्या होगी, ये तो ऑलरेडी फाइंड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब आप ये वैल्यू निकाल लोगे तो ये वैल्यू भी फाइंड होगी, तो ये वैल्यू का जो आपका ये जो मास है इसको भी पैरेलल लोगे और यहाँ पे इस तरह आप इसको इस तरह कर दोगे। तो देखो ओ टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई, ठीक है। ये तो आप यहां से निकाला था आपने, ये जो निकल जाएगी तो उसके थ्रू निकालोगे। सो आपके पास अभी भी ये क्या पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, तो अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट के इस तरह से
ले लोगे, तो ये आपका हो गया बैलेंस। तो देखिए ओ टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई, ठीक है, और ई टू ओ। तो देखो आपको ये किसकी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी वैल्यू एम एल आर एन, ये मिल जाएगी एम एल आर एन। तो वापस से आप फोर्थ पॉलीगन में जो करते हो जैसे अभी इसमें करा था, आप अभी को क्या करना है, एम एल इंटू आर एन मल्टीप्लाई, सॉरी ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ओ और मल्टीप्लाई स्केल। तो आप ईओ की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड कर लोगे, तो एम एल आर एन तो आपको एम एल की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा ई ओ मल्टीप्लाई स्केल और अपॉन आर एल। तो इस तरह आप एम एल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, और जैसे आप वैल्यू फाइंड करोगे तो एंगल फाइंड करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको ओडी बताया था, ओडी का एंगल आप कैसे डी को यहाँ पे रख के ये एंगल कितना है वो एंगल यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, उसी तरह डी को रख के यहाँ एंगल कितना है वो एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अब ये जो एम एल आर एल की जो पोजिशन है वो किस तरह होगी, रोलर को रखा हमने यहाँ पे और सीधे ले गए इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है ना, तो इसको हम ले गए मीन्स रोलर स्केल्स का यूज करके इसको यहाँ पे गए ये गए। तो आपको देखो एक बैलेंसिंग स्केल मिल गई, ये बैलेंसिंग मास, ये मिल गया एम एल। तो देखो एम एल भी मिल गया और एम एम भी मिल गया, तो दो एंगल होंगे, दो एंगल कौन से, एक एंगल तो होगा रेफरेंस से, ये होगा आपका एम एल, तो इसको नाम दे दोगे आप थीटा एल, और एक होगा रेफरेंस से यहाँ से यहाँ तक का एंगल, इसको नाम दे दोगे आप थीटा एम। तो आप डी से थीटा एम और थीटा एल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह जो आपका टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी चीज क्लियर है, और यही चीज का हमको प्रोसेस न्यूमेरिकल में भी करना है, तो जिससे हम इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेबल्स, ये पॉलीगन डायग्राम, कपल पॉलीगन डायग्राम, फोर्थ पॉलीगन डायग्राम का जो ग्राफ है ये आपको समझ में आ गया होगा।